अगली खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां अफसरों की लाख कोशिश के बाद भी पुलिस कर्मियों की हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, इसी का नतीजा है कि मुरादाबाद में पशु तस्करी में संलिप्तता के आरोप में गलशहीद थाना प्रभारी समेत थाने के 14 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह फैसला जिले के SSP अमित पाठक ने लिया है। दरअसल हाल ही में पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी समेत कटे और बिना कटे जानवर बरामद किए थे, जिसके बाद से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद जिले के असालतपुरा स्थित बड़ा अहाता में 23 अक्टूबर की आधी रात को IPS आदित्य लान्हे के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी अभियान शुरू किया था, जिसमें सिविल लाइन और मझोला थाने की पुलिस ने बराबर IPS का साथ दिया था। जी हां, इस छापेमारी में बड़ा अहाता से 117 जिंदा और 35 मृत पशु बरामद हुए। वहां से 10.5 लाख की नकदी बरामद हुई। इसी दौरान पुलिस ने मौके से 39 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। वहीं पूछताछ के बाद गलशहीद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि यह स्लॉटर हाउस महानगर के बीचों बीच चल रहा था, जिसके बाद से SSP अमित पाठक ने जांच बिठा दी थी। जी हां, मामले की जांच SP ट्रैफिक सतीश चंद्र कर रहे थे। इस जांच में कई पुलिस कर्मियों की मिली भगत सामने आई। तथ्यों के साथ आरोपी पुलिस कर्मियों के नाम SSP को बताए गए। जी हां, सभी सबूत मिल जाने के बाद मुरादाबाद SSP ने 14 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा घटना के वक्त गलशहीद थाने में तैनात और इस वक्त संभल पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी सत्यवीर सिंह की मिली भगत भी सामने आई, जिसके बाद संभल SP को इसके निलंबन के लिए लेटर लिखा गया है। कुछ दिनों में थाना गलशहीद में अवैध पशु कटान का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, और उसमें आसपास के कई ऐसे व्यक्ति पाए गए जो इसमें संलिप्त थे। मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई की गई। इस दौरान मेरे द्वारा एक जांच SP ट्रैफिक मुरादाबाद को दी गई, उसमें पुलिस की भूमिका को देखने के लिए। तो वो जांच कंप्लीट होकर के आई, उसमें कई पुलिस कर्मियों की भूमिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। उनकी कार्रवाई को अपर्याप्त माना गया, ये माना गया कि उनके रहते उनकी कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के चलते इतनी वृहद स्केल पर अवैध कटान हो रहा था, तो उसको संज्ञान में लेते हुए आज इन सभी पुलिस कर्मियों के को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई है। सर, टोटल कितने लोग हैं? 14 लोगों की कार्रवाई मुरादाबाद से हुई है, और एक कर्मचारी के विरुद्ध रिपोर्ट संभल को भेजी गई है, क्योंकि अभी ये इस दौरान उनका स्थानांतरण संभल हो गया था। सर, कौन-कौन है, क्या थाना गलशहीद के कर्मचारी हैं, जिसमें SO हैं, 4 उप निरीक्षक स्तर के हैं, एक हेड कांस्टेबल हैं, और 8 आरक्षी स्तर के हैं, और एक आरक्षी चालक के उसमें से। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।